गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी माँ, बेटी और पत्नी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादा पराठे बनाकर बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर पिताजी भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती। अरे भाई, जरा मेरे पराठे में गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठों के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठों के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठों के साथ दही चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये गौरव सब्जी के पैसे अलग से मांग रहा है। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। अरे सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुँचा। क्या हुआ? रेहड़ी पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही, सारी चीजें पराठों के साथ चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गाँव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी पत्नी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से झरने गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज पूरब दिशा से आ रही है। गौरव और उसकी पत्नी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें झरना मिला। ये झरना तो बहुत खूबसूरत है। गौरव और उसकी पत्नी ने जी भर कर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वे चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज झरने के पीछे से आ रही है। झरने के अंदर घुसकर देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन झरने के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है, क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी झरने में से एक आवाज आई। ये किसी तरह का जाल नहीं है, मेरी मदद करो, मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से मुक्त करो। मुझे झरने के पार जाना ही होगा गीता। अगर मैं वहाँ कैद होता तो क्या मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आकर कैद से आजाद करें? गौरव झरने के पार गया तो उसने देखा कि एक साधु एक कटीले खंभे से बंधा हुआ है। साधु की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और साधु आजाद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक साधु हूँ और मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैं व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने मुझे इस झरने के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हें चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हैं तो तुमने स्वयं को खुद ही आजाद क्यों नहीं कर लिया? मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी ससुराल पहुँचना है और देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु गौरव से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को आशीर्वाद दिया। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी की प्लेट में से अचार निकलने लगा।
सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इन लोगों को सब्जी दही अचार नहीं दिया, तो भी इनकी प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही साधु आया जिसे गौरव ने झरने के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा जरा दो पराठे लगा देना सब्जी दही और अचार के साथ। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उस साधु की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी दही अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बता दिया कि ये चमत्कार एक साधु की वजह से हो रहा है जिसे गौरव ने झरने के पीछे के कैद से मुक्त किया था। वे साधु झरने के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचा करता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्द ही अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ झरना था। दीपक बंदूक लेकर साधु के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बुढ़ो, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के बराबर में रेहड़ी लगाता हूँ। तूने गौरव को वरदान देकर बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा था। मैंने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भर दिया था। मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने का आशीर्वाद दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने साधु की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, जल्दी आशीर्वाद दे वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। दीपक ने लौट कर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रख कर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पर पराठा रखा हर बार परिणाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लगे और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो गौरव ने दो नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। शिवानी एक साधारण लड़की है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। अब शिवानी बड़ी हो गई है, इसीलिए उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। नहीं माँ, मेरी शादी होने के बाद भी मैं कभी भी इस घर से दूर नहीं होऊंगी। हाँ, शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने, शादी के बाद भी बेटियाँ कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वो तो बस एक घर से दूसरे घर में चली जाती हैं। और नजरों से दूर होना भी भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी ना होता है। ये कही ना पिताजी ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो ही जाता है। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, पर जब भी आप दिल से मुझे याद करोगे मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बातें बनाने में तो तुम बाप बेटी दोनों माहिर हो। भगवान करे तुम्हारी शादी के बाद भी तुम दोनों का ये प्यार इसी तरह बना रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर विदा करो। शिवानी के लिए एक जगह बात हुई है, मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। शिवानी के पिताजी हाथ धुलने के लिए जाते हैं और शिवानी की माँ उनके लिए नाश्ता लगाने, और शिवानी घर में बने छोटे से मंदिर में जाती है। हे कान्हा जी, मेरी शादी जिस भी लड़के से हो
उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वो अपने माता पिता के साथ साथ मुझे भी मेरे माता पिता का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हो कि मेरी शादी के बाद माँ पिताजी दोनों अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ शिवानी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी नाश्ता करके लड़के से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लड़के के घर पहुँचने के बाद शिवानी के पिताजी को पता चलता है कि जो हालत उनकी है वही हालत लड़के के घर की भी है। जी नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं, अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ शादी में दहेज भी चाहिए तो पहले ही बता दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी ही तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर में मेरी माँ है और मैं नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ, इसलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर संस्कार जरूर बड़े दिए हैं। जी मैं भी इसी में विश्वास रखता हूँ। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर संस्कार देने की भी एक उम्र होती है। और वो उम्र होती है बचपन में। जी सही कहा आपने। हम दोनों के विचार तो बहुत मिलते जुलते हैं बेटा, बस तुम दोनों एक बार एक दूसरे को पसंद कर लो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझ लूं। जैसा आप कहें, मैं तो कभी भी आपकी बेटी को देखने के लिए आ सकता हूँ। कभी भी क्यों, अभी क्यों नहीं? जी अगर अभी हो सकता है तो चलिए, मैं अभी आपके साथ चल देता हूँ। शिवानी के पिताजी अतुल को लेकर अपने घर आते हैं। अरे बेटा शिवानी, कहाँ हो तुम? देखो घर में कौन आया है। अपने पिताजी की आवाज सुनकर शिवानी उनके पास आती है। शिवानी देखने में बहुत ही सुंदर है, इसीलिए जब अतुल उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। अरे भाई, एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अपने पिताजी की बातों से शिवानी शर्मा जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ पिताजी। शिवानी और अतुल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकल जाता है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद अतुल अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और शिवानी अपने ससुराल में अपनी सास की सेवा में जुट जाती है। कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि मेरे बेटे ने ऐसी बहू लाई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आज के जमाने की लड़कियों को देखकर कह रही हूँ बेटी। जब उनसे तुम्हारी तुलना करती हूँ तो मुझे अपने बेटे की पसंद पर बड़ा गर्व होता है। शिवानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद भी वो हर दिन घंटों तक अपने माँ पिताजी से फोन पर बात किया करती थी और जब भी मौका मिलता उनसे मिलने जाया करती थी। दिवाली आने वाली है, क्या मैं अपनी पहली दिवाली अपने मायके में मना सकती हूँ? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, बस एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। हाँ कहिए ना। मैं भी यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ, क्या इस बार की दिवाली मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ मना सकती हूँ? और ये भी भला पूछने वाली बात है क्या माँ जी? ये तो बताने वाली बात है, आप जरूर मेरे साथ चलिए। शिवानी अपनी सास को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। सभी लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। शिवानी के घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था कि तभी उसको फोन पर एक बुरी खबर मिलती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये अचानक से कैसे हो गया? खुशियों के बीच में ये दुख की घड़ी शिवानी को मन ही मन में तोड़ देती है। वो यहाँ से सीधे अपने ससुराल चली जाती है जहाँ अतुल के कुछ साथी उसको लेकर आए हैं। शिवानी देखती है कि अतुल व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया है आपको? मैं अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ शिवानी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, मुझसे तो आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब यही सच है, आज के बाद मैं सिर्फ एक अपाहिज बनकर रह गया हूँ। दुर्घटना में अपने पैर खोने के साथ साथ अतुल ने अपनी नौकरी भी खो दी। अब घर का खर्चा और अतुल की दवाइयों के लिए घर में पैसों की कमी होने लगी।
जिस कारण शिवानी नौकरी करने का फैसला लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। आप दोनों से दूर जाकर शहर में जाकर नौकरी नहीं कर सकती और इस गांव में कोई नौकरी भी नहीं है। मैं बहुत लाचार हूं शिवानी कि मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। आप ऐसी बात मत कीजिए, पति पत्नी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शिवानी को एक बात सोचती है कि उनके गांव से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा कारखाना है, वहाँ बहुत से लोग मजदूरी किया करते हैं और वो अब से उनके लिए दोपहर का खाना बना लिया करेगी। अब शिवानी कारखाने के पास अपना एक छोटा सा होटल खोल देती है। मेरी मदद करना कान्हा जी, मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, पर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। शायद यहाँ के मजदूरों को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। शिवानी एक पतीले में खिचड़ी बनाती है और दोपहर के समय कारखाने के पास जाकर लोगों को आवाज देती है। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म खिचड़ी बनी है, आ जाइए, बहुत ही कम पैसे में आपको ताजी ताजी खिचड़ी खाने को मिलेगी। शिवानी की आवाज सुनकर बहुत से मजदूर उसके पास खिचड़ी खाने के लिए आते हैं, क्योंकि खिचड़ी अभी अभी बनी थी इसलिए लोगों को वो खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे इस खिचड़ी में कोई खास बात तो नहीं है, पर ये गर्मा गर्म है इसीलिए इसको खाने में मजा आ रहा है। आज पहले ही दिन शिवानी की खिचड़ी की अच्छी खासी बिक्री हो गई, जिससे शिवानी बहुत खुश हो जाती है और वो आज के कमाए हुए पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाती है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दवाइयों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे होटल में आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अब धीरे धीरे शिवानी के होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे शिवानी को लगने लगा कि अब वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी खर्च उठा सकती है। पर उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब मजदूरों को शिवानी की खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले दिन खाया तो गर्मा गर्म के चक्कर में अच्छी लग रही थी, पर इतने दिन से खाते खाते मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया है इस खिचड़ी ने। क्या हुआ भैया, आपको खिचड़ी पसंद नहीं आई? बहन, खिचड़ी पसंद तब आएगी ना जब इसमें कोई स्वाद होगा। हम लोग तुम्हारी खिचड़ी इसलिए खाते थे क्योंकि हमारा लाया हुआ खाना सुबह से पड़े पड़े ठंडा हो जाता था, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी इस गर्म खिचड़ी से स्वादिष्ट तो हमारा ठंडा खाना ही होगा। वो मजदूर शिवानी की बनाई हुई खिचड़ी फेंक देता है और अपने घर से लाया हुआ टिफिन खाने लगता है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत दुख होता है। भैया, मैं खिचड़ी को गर्म कर देती हूँ, तब शायद आपको अच्छी लगेगी। क्या गर्म करोगी बहन, अभी तो बनाई है तुमने खिचड़ी, अब इस खिचड़ी को और कितना गर्म करोगी? और वैसे भी जिसमें स्वाद ही नहीं है उसको गर्म करो या ठंडा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज के बाद कभी भी तुम्हारे होटल में खिचड़ी खाने के लिए नहीं आऊंगा। वो मजदूर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके साथ साथ और भी कई सारे मजदूर बिना खिचड़ी खाए चले जाते हैं। शिवानी अब बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना होटल इसी तरह खुला छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है। शिवानी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, क्या तुम मेरे लिए नई दवाइयाँ ला दोगी? ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, भला दवाइयाँ वो कहाँ से खरीद कर लाती? क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, वो मेरी आँख में मिर्ची लग गई थी, आँख जल रही है इसीलिए आंसू आ रहा है, मैं दवाइयाँ लेने जाती हूँ। शिवानी घर से तो निकल जाती है, पर बिना पैसों के दवाइयाँ तो क्या, आज के जमाने में अस्पताल का पता भी नहीं मिलता। ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो मुसीबत के समय में कान्हा जी को याद करती है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गई हूँ। घर में मेरे पति व्हीलचेयर पर पड़े हैं और मायके में माँ पिताजी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। शिवानी कान्हा जी को याद कर ही रही थी कि तभी उसको एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर शिवानी गाय की तरफ दौड़ती है।
लगता है कान्हा जी ने ये गाय मेरी मदद के लिए भेजी है, पर इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, मुझे ही खुद इसकी मदद करनी पड़ेगी। शिवानी उस गाय को अपने पीछे पीछे अपने होटल की तरफ ले चलती है और होटल पहुंचकर वो आज की बनाई हुई वो सारी खिचड़ी गाय को खिला देती है, जिसे उन सभी मजदूरों ने खाने से मना कर दिया था। ये लो गाय माता, इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गाय बहुत भूखी थी, इसीलिए वो जल्दी ही सारी खिचड़ी खा लेती है। अब शिवानी उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब गाय फिर से रमाने लगती है तो शिवानी उसको चारा देती है, और जब उसकी नजर गाय के थनों पर जाती है तो वो उससे दूध दोहने की सोचती है। लगता है ये एक दुधारू गाय है, इसको दोकर देखती हूँ। शिवानी घर से एक बाल्टी लेकर आती है और गाय को दूहने लगती है। गाय भी बहुत गुणवान थी, वो दूध देना शुरू करती है। उसके दूध में एक अलग ही चमक थी और एक ही बार में बाल्टी भरकर दूध दे देती है। अरे वाह गाय माता, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस दूध से पनीर निकालूंगी और अपने होटल को फिर से शुरू करूंगी। शिवानी गाय के दूध से पनीर बनाती है। ये पनीर हीरे की तरह चमकदार था और वो उस पनीर को ले जाकर अपने होटल में पनीर खिचड़ी बनाती है। इस जादुई पनीर खिचड़ी की खुशबू से सभी मजदूर फिर से होटल पर खाने के लिए आ जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी बना है जल्दी से लगा दो। शिवानी सभी को वो जादुई पनीर खिचड़ी खिलाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है, और अब शिवानी का होटल फिर से चल पड़ता है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगी है, जिससे वो अपने पति की दवाइयों के साथ साथ अपने माँ पिताजी की भी जरूरतें पूरी करती है। और इसके बाद शिवानी का होटल पनीर खिचड़ी वाला होटल के नाम से मशहूर हो जाता है। आज भी मालती के घर पर एक भी दाना अनाज नहीं था। मालती बहुत बूढ़ी थी, वो अकेली रहती थी और उसका कोई सहारा नहीं था। कभी मदद मिल गई तो उसका पेट भरता था, वरना उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया, मुझे किसी से मदद की आशा नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है और तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लाई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो सामान रखकर वापस आती है तो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर अचानक से वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर वो घर के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो अपनी खिचड़ी बनाती है। वो खाती है और उसका पेट पूरा भर जाता है, पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उसमें और खिचड़ी आती जाती है। अरे ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढक कर रख देती हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो बर्तन फिर से देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से पूरा भरा होता है। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी।
मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे खिचड़ी बांट देती है। बूढ़ी मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर आने से पहले ही उसके घर में खिड़की के सहारे घुसकर छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। भगवान की दया से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और, ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। इस बुढ़िया के जीवन में अब कितने दिन बचे ही हैं? ये जादुई मटके की जादुई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी घर परिवार का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश अपने छुपने वाली जगह से निकलकर वो मटका ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह होती है और मालती उठती है। अरे, जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ चला गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, न जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश उठकर जाकर उस मटके को देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है, पर जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है पर उसे मिल नहीं पा रही होती है। अरे, ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा? अजीब जादू हो रहा है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, पर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकाल पाता। अंत में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उस मटके को जोर से पटक देता है। उसके पटकते ही वो मटका चूर चूर हो जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंच जाती है। अरे, सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। वो बहुत ही चोटिल और जख्मी होती है। मालती उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देवी मालती को सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा हुआ है। मालती सारी बातें समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही देवी को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और देवी का सीधा संबंध है। वो उस मटके को जोड़ने का प्रयास करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर उसे जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि देवी के भी जख्म ठीक हो रहे होते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद, आप कौन है माता? आप कोई साधारण बालिका तो नहीं है? मैं अन्नपूर्णा माता का स्वरूप हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ। और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर कृपा बरसाती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना।
और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ध्यान रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुन लेती है और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहाँ पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान रखा होता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बना लेती है और खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जीवन भर परोपकार का काम करती है। छल कपट से सुरेश उसको चुराना चाहता था, इसीलिए उसके साथ छलावा हो गया। सुरेश को भी इस बात का पश्चाताप हो जाता है और फिर वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब वो मटका सुरेश को देकर अपनी आखिरी सांसें लेती है। सुरेश भी हमेशा उस मटके का सदुपयोग करता है। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे, इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया, क्या पिज्जा था। मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का। और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा। अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है, बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए। रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी, अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए, अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू जिद मत करो, पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है, रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके। भैया हम भी आएंगे ना, हमें नहीं बोला आपने। नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं, तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जाजा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो। वो पिताजी, बात यह है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात,
कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं है, पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा। इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई, जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं, क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया, घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे, चलो उठो। पिताजी मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है, वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है, वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए, और हाँ मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी, सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है पराठा पिज्जा। हाँ ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है, लो तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है, ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी, पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया, सचमुच लाजवाब है, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें, आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा, दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा, वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।